हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सैपीज किचन। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज मैंने आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सब्ज़ी बनाई है जो कि सेंगा मटर आलू की सब्ज़ी है। बहुत से लोगों को सेंगा की सब्ज़ी नहीं बनाने आती है, तो मैंने सोचा ये वीडियो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं, देखने में भी ये सेंगा बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लग रही है। और सेंगा वैसे भी बहुत हेल्दी होता है, तो हमें इसे रेगुलरली खाना चाहिए। तो आइए चलते देखते कि ये रेसिपी किस तरीके से तैयार होती है। सेंगा मटर आलू बनाने के लिए सबसे पहले हमें सेंगे की ज़रूरत होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सेंगा लिया है जो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, जिसे ड्रमस्टिक भी कहते हैं। और इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया और इसका जो छिलका था वो मैंने निकाल लिया है। हमें एक कटोरी मटर लगेगा। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और दो छोटे आलू लिए हैं। अब हम सबसे पहले हमारा जो ये सेंगा है, इसमें मैंने कुछ दो तीन चुटकी नमक का लिया है और इस पे मैं फैला दूंगी। इसे आप दोनों हाथ से मिक्स कर लीजिए। ये नमक हमने इसके लिए डाला है क्योंकि सेंगा थोड़ा फीका होता है, तो जब आप नमक डाल देंगे तो ये थोड़ा सा अंदर तक सीप हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर भी थोड़ा सा नमक चला जाएगा और हमारा सेंगा फीका नहीं लगेगा। जब तक कि इसमें नमक डाल के हम रख देते हैं, हम हमारा सब्ज़ी का मसाला तैयार कर लेते हैं। अब हम एक कुकर में तेल गरम कर लेंगे। लगभग चार बड़े चम्मच मैंने तेल ले लिया है और जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाएगा, हम एक चम्मच जीरा का डाल देंगे। जैसे ही हमारा जीरा तड़कने लगेगा, हम इसमें हमारा जो बारीक कटा हुआ प्याज है इसे डाल देंगे। इस प्याज को हम लाल कर लेंगे। हमारा प्याज लाल हो चुका है। अब इस स्टेज पे आके हम हमारे प्याज में दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। की स्मेल जाने तक हम इसे भूंज लेंगे। हमारा अदरक लहसुन भी भून गया है। अब हम इसमें जो हमारे बारीक कटे हुए टमाटर है इसे डाल देंगे। इसे दो मिनट फ्राई कर लीजिए। इसे हम ढक के टमाटर थोड़ा सॉफ्ट होने तक कुक होने देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद आप देखेंगे आपका टमाटर जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें हमारी ये जो एक टेबल स्पून दही है इसे डाल देंगे। सूखे मसाले डाल लेंगे आप, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, दो चम्मच धनिया पाउडर का डाल देंगे, एक चम्मच नमक डाल देंगे या आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, एक चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची डाल देंगे कलर के लिए। हम 2 मिनट इस मसाले को भी भून लेंगे, यानी कि सारा सूखा मसाला प्याज टमाटर अदरक लहसुन में मिक्स हो जाए। आप इसे स्लो आंच पे ढक कर कुक कर सकते हैं। 2 मिनट हमारा मसाला भून गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हम इसमें हमारा ये जो कटा हुआ आलू है इसे डाल देंगे। ये जो मटर है इसे भी डाल देंगे। हम सेंगा अभी नहीं डालेंगे क्योंकि सेंगा जल्दी पक जाता है, तो ये बिल्कुल हलवा हो जाएगा अगर हमने इसे अभी डाल दिया तो। अब हम ये आलू मटर को भी थोड़ा सा इस मसाले में पकने देंगे। ढक कर आप इसे 5 मिनट पका लीजिए। ये देखिए, हमारा आलू और मटर अच्छे से भुन गया है, आप देख सकते हैं तेल भी छूट गया है। अब इस स्टेज पर आके हम हमारा ये जो सेंगा है इसे डाल देंगे। इसे भी आप अच्छे से भून लीजिए और इसे भी हम मसाले में लपेट के ढक के 5 से 7 मिनट स्लो आंच पे ही पकने देंगे। हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। सेंगा भी हमने ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है क्योंकि हम इसे सीटी देने वाले हैं। अगर आपने ज़्यादा भून लिया तो सीटी के बाद ये बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो अब इस स्टेज पे आके हम एक गिलास पानी डाल देंगे इसमें। अब इसका ढक्कन लगा लेंगे और इसे हम प्रेशर कुक करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे। इसे आप सिर्फ 2 सीटी दीजिए क्योंकि अगर ज़्यादा सीटी आप दे देंगे तो अंदर सब कुछ बहुत ही मैशी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है कि नहीं।
और ये देखिए हमारी बहुत ही अच्छी सी सेंगा आलू मटर की सब्जी बनके तैयार हो गई है। हमें इसे बिल्कुल सिंपल गार्निश करना है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये जो हरा धनिया है इसे डाल दूंगी। और ये थोड़ा सा गरम मसाला है, आधा चम्मच के लगभग, इसे डाल देंगे। और ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी सी और अच्छी सी सेंगे की सब्जी तैयार हो गई है। इस सब्जी को आप गरम गरम चावल के साथ या रोटी या पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल है और बहुत ही अच्छी सब्जी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।